डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलार में। बच्चों, कुछ ही दिन बचा हुआ है 28 फरवरी आने में, क्योंकि धनबाद झारखंड में जो है 28 फरवरी से फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है सरस्वती शिशु मंदिर का। और ठंड भी अब कम हो गई है, इसीलिए आप लोग पढ़ने में अब उतनी समस्या नहीं होगी। रात में भी आप लोग थोड़ी देर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ठंड के समय में ज्यादा देर पढ़ पाना मुश्किल था। ये मान के चलिए कि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और जहां तक मैं आप लोग ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अभी खेलना कूदना जो भी समय है, ये सारे समय को आप रोक के कम्प्लीटली पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। एक चीज जो है, इस दरमियान बहुत सारे बच्चे कमेंट जो कर रहे थे, मैंने पिछला जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके बाद कई सारे बच्चे कमेंट करने लगे कि सर, इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को आप वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो भला ये पॉसिबल है? संभव नहीं है। जो चीज संभव नहीं है, अब उस चीज के लिए आप अगर बार बार मुझे कमेंट करेंगे, मैं कहां से ये कर सकूंगा? पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग समझें इस बात को, बार बार एक ही चीज को कमेंट कर रहे हैं कि मुझे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन चाहिए। ऐसा कभी हुआ आज तक आप लोगों ने देखा कि कभी जो है फाइनल एग्जाम होने से पहले फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन अब तक पहुंच गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्कूल में जितने भी टीचर हैं, उन लोगों को भी पता नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। उन लोग भी गेस करके बतलाते हैं कि ये क्वेश्चन आप ये चैप्टर पढ़ लो, हालांकि जितने पीछे वाले चैप्टर है उसमें से आपको कम क्वेश्चन आएंगे और जो इस बार पढ़ाए गए हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब आधा किताब बाद वाला जो है वो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और पहले वाला जो है उसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आता है। अब इसमें कोई पोर्शन पूछ रहा है कि पोर्शन बतला दीजिए, और फाइनल एग्जाम में पोर्शन क्या रहता है? फाइनल एग्जाम में टोटल बुक रहता है। अब उसमें क्या पोर्शन दिया जाए, इसलिए टीचर्स कुछ बतलाते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं रहता है। जितने भी टीचर्स होते हैं तो जो कुछ भी आपको बतलाए हुए हैं वो भी श्योर नहीं रहता कि ये चीज आने वाला है। पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम जो होता है उसमें आपको बतला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही टीचर जो है उस क्वेश्चन को सेट करते हैं, इसीलिए वो बतला पाते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम का या ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है वो काउंसिल से बनकर आता है, टीचर को भी पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सिलेबस के अनुसार वो बतलाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आपको बुक का जो है टोटल बुक की तैयारी करना होगा फाइनल एग्जाम में। इसीलिए आप लोग अभी खेल कूद बिल्कुल बंद कर दीजिए और बार बार इस तरह कमेंट न करें कि फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन चाहिए। फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आज तक कोई किसी को दे पाया? अगर फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, न कि ऐसा कमेंट करें जो पॉसिबल नहीं है। एक चीज जो है, एग्जाम से पहले मैं अक्सर आप लोगों को बतलाता हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जब आता है आप उसको पढ़ते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन, और उसमें से जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, बढ़िया से आता है, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, उसको पहले बना लीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को आपने पहले बना लिया उसका मतलब है कि वो श्योर है, आप उसको जानते हैं, तो उतना नंबर कम से कम आपका सेव हो गया, उतना नंबर तो आना ही आना है। उसके बाद जो डिफिकल्ट थोड़ा लगता है, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चन को बाद में आपको उसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि सोचते सोचते उसमें टाइम भी लग जाता है। अगर पहले ही उतना समय सोच के अगर उस क्वेश्चन के पीछे आप समय गंवा देंगे तो फिर जो जानते हैं वो क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो इसीलिए जो जानते हैं आप उसको पहले कवर कर लीजिए। आपका उतना, जैसे मान लीजिए कि आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 नंबर में से अगर आप 50 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं तो 50 नंबर क्वेश्चन पहले बना लीजिए। 50 नंबर आपका ये हो गया, सेव हो गया, उतना नंबर तो आना ही आना है। उसके बाद जो दिमाग लगा के बनाइएगा, जो कुछ भी आप सोच सोच के लिखिएगा, उसमें से अगर 10-20 नंबर आ गया तो आपका हो गया 70%, 70 नंबर आ गया उसमें से, तो उसमें से कुछ कट गया तो 60 तो आना ही आना है, 80 में से 60 नंबर, तो काफी अच्छा इस तरह से मार्क्स आएगा। तो एक चीज इस बात पे फोकस कीजिएगा कि जो आ रहा है उसको पहले कवर कर लेना है। उसके बाद जो है प्रयास करना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। हम जब एग्जाम दिया करते थे तो प्रयास यही करते थे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर उससे संबंधित, उस चीज को नहीं जानते, उससे संबंधित कुछ भी जानते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ लिखते थे, 2-4 लाइन लिखते थे। उसमें हो सकता है कि 4 नंबर का अगर क्वेश्चन हो सकता है एक ही नंबर आ जाए। अगर छोड़ देते हैं तो उसमें एक नंबर भी आने की संभावना नहीं। कुछ लिखते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ आ जाए, इसलिए प्रयास करना है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा नंबर आए, इसी उम्मीद के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।